अरे यार हरमिंदर बैठ। हरमिंदर एक बहुत अच्छी खबर, होटल विस्परिंग फार्म में हीरो का एक व्यापारी आकर ठहरा हुआ। अच्छा वो तो सही है, और जब से जगमोहन मरा है हम सब लोग बिखर से गए, और मुझे तो इस बात की हैरत है कि पुलिस भी हमें भूल चुकी है। हरमिंदर मुझे लगता है वो डायरी जिसमें जगमोहन ने हमारी दास्तान लिखी थी वो पुलिस के हाथ लगी ही नहीं। तो वो डायरी गई कहाँ? अरे गई होगी कचरे के डब्बे में, और उसके पन्ने पान या चने बेचने वालों के काम आ रहे होंगे। अगर पुलिस के हाथ पड़ी होती तो हम लोग इस तरह शहर में आराम से नहीं घूम रहे होते, पकड़े गए होते। बिल्कुल ठीक कह रहे हो रावत, और उस डायरी की फिक्र में रहेंगे तो कहीं हाथ नहीं मार सकेंगे। अभी पुलिस हमें पहचानेगी कैसे? हमने अपने नाम बदल लिए हैं, हुलिये बदल लिए हैं। लेकिन आदतें नहीं बदली। अब ये बताओ तुम क्या कह रहे थे? हरविंदर दिल्ली के एक मशहूर डायमंड मर्चेंट ने 50 लाख के हीरो का सौदा किया है यहाँ, वो भी कैश। ये होटल के बेलबॉय ने मुझे बताया, और वो सेठ कल की फ्लाइट से दिल्ली वापस जा रहा है। रूम नंबर 203 में ठहरा है, आज रात ही हाथ साफ कर ले। नहीं रावत, होटल में जाना खतरे को दावत देना है, और 50 लाख का उसने कुछ ना कुछ इंतजाम तो जरूर किया होगा। नहीं हरमिंदर, होटल के बेलबॉय के हिसाब से उस सेठ के साथ सिर्फ एक प्राइवेट बॉडीगार्ड है, और उसी बॉडीगार्ड ने नशे की हालत में बेलबॉय को सब कुछ बताया। ये हाथ मार लिया तो कुछ महीने निकल जाएंगे बस। कुछ दिन कहो रावत, क्योंकि तुम्हारी जुए की आदत तुम्हारी जेब में पैसे रहने नहीं देती। अरे मैं तो इसलिए खेलता हूं ताकि अपने पिछले पैसे वसूल कर सकूं यार, और इस जीतने के चक्कर में हारते जाते हो। अरे ये जुआ किसी का हुआ है जो इसका होगा। अब अपने हिस्से के पैसे का मैं कुछ भी करूं, तुम लोग से मांगता तो नहीं हूं ना। अरे नाराज क्यों होता है यार, कुछ बचा के रखेगा तो तेरे ही कफन दफन के काम आएगा। अब हम लोग इतने बेवफा भी नहीं है यार, इसके अंतिम संस्कार का खर्चा मैं दूंगा, बड़े काम का आदमी है। आदमी नहीं दोस्त हूं तेरा, वरना कब का अपने घर आगरा भाग गया होता। 50 लाख कमा ले फिर अपना हिस्सा लेकर घर चले जाना। अब सुनो तनिष, हम लोग होटल से उसका पीछा करेंगे, और सबसे पहले तुम अपनी गाड़ी का नंबर प्लेट बदल डालो। अभी भी असली नंबर प्लेट कहाँ लगी हुई है यार, वैसे भी कई दिन हो गए नंबर प्लेट बदले हुए। क्यों रावत? सही बात, अब तू कहता है तो नंबर प्लेट बदल डालेंगे यार। अब गौर से सुनो, जब तक अनिल नहीं आएगा तुम बात नहीं करोगे? नहीं नहीं, मतलब मैं कुछ और सोच रहा था। क्या? यही कि अनिल अब तक क्यों नहीं आया? फिर अनिल? अरे बरसात हो रही, कहीं अटक गया होगा, आ जाएगा। वैसे अनिल वक्त का बहुत पाबंद है, वो सवेरे से निकला हुआ दानिश के बारे में मालूमात करने। रोहित हम इतनी अच्छी जगह आए हैं, इतना अच्छा मौसम है, और तुम्हें यहाँ पर भी अनिल की फिक्र हो रही है। अच्छा ये बताओ इस मौसम में कौन सा राग गाया जाता है? वो देखो जीवा। हाँ ये तो वही है। लेकिन वो यहाँ कैसे? भाई ये होटल है, यहाँ कोई भी आ सकता है। लेकिन वो दानिश भी तो यही दिखाता, और अभी जीवा, कहीं ये मुजरिमों का अड्डा तो नहीं? देखो यहाँ बहुत मशहूर लोग आते हैं, बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और फिल्म वाले हैं, और ये होटल जिस ग्रुप का है वो इस शहर के बहुत इज्जतदार शहरी हैं, और वैसे भी इस होटल के बाहर बोर्ड नहीं लगा सकते, क्रिमिनल्स आर नॉट अलाउड। वो
वो देखो दानिश। तुम्हें ये बेलबॉय गड़बड़ नहीं लगता? चलो उससे पूछताछ करते हैं। हम कोई पुलिस वाले नहीं हैं जो हमें वो फौरन बता देगा दानिश के बारे में। Cheers.
यार अरविंदर, जब उन्हें आसानी से लूटा जा सकता था तो उन्हें मारने की क्या जरूरत? जानना चाहता है मैंने उसे क्यों मारा? क्योंकि आंखों ने कहीं तुम्हों से किसी जिस्म से बहता हुआ खून नहीं देखा था, आज देख लिया। और रावत, वैसे भी हम लोग कोई सबूत नहीं छोड़ते, ये क्यों भूल जाता है? आदत छूट गई है ना, इसलिए। तो आदत डाल ले रावत, और ये ले, कैश कर। और रावत, जब ये पैसे जुए में हार जाएगा ना, तो अपने हिस्से की बची हुई रकम लेने वापस आ जाना। लेकिन रावत, जरा होशियारी से खर्च करना, क्योंकि आज पुलिस को लाशें तो मिली जाएंगी और फिर पुलिस अपनी ड्यूटी शुरू कर देगी और उन्हें मिलेगी सिर्फ नाकामी। वो तो उन्हें आज तक मिली रही है, क्योंकि पुलिस अगर इस काबिल होती तो हम कब का अंदर होते। इस गलत फहमी में हरगिज मत रहना, क्योंकि पुलिस बंद फाइल कभी भी खोल सकती है। यह अजब इत्तेफाक है कि सेठ दीनदयाल के इस केस में भी सिटी टाइम्स हम लोगों से आगे। अभी हम लोग सदाशिव काले को भूले नहीं कि हाँ, और एक मर्डर। वैसे तुम लोग जा कर रहे थे? हम एयरपोर्ट जा रहे हैं। ओ, किसी को छोड़ने या लेने? हम रिपोर्टर्स हैं, न्यूज के लिए इधर उधर घूम रहे थे। रास्ते में हमें जिन्हें आप सेठ दीनदयाल कहते हैं उनकी गाड़ी नजर आई, तो हम समझे कि कोई एक्सीडेंट हो गया। हमने वहां जाकर देखा तो वहां 3 लाशें थी और हमने आपको फौरन इन्फॉर्म कर दिया। मिस्टर अनिल, ये तो हर एक अच्छे शहरी का फर्ज बनता है। वैसे आप लोगों के साथ मिस्टर रोहित भी थे ना? रोहित, खैर, आप लोगों ने वहाँ कोई ऐसी वैसी चीज देखी जिससे कुछ पता चल सके? वहाँ तो दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे हादसा बिल्कुल ताजा है। सर, ये दिल्ली से फैक्स आया है। इसमें लिखा है कि सेठ दीनदयाल यहाँ पर डायमंड्स का सौदा करने आए थे और ये सौदा पूरे 50 लाख रुपयों का था। ये बात उन्होंने अपनी फैमिली को फोन पर बताई। इसका मतलब ये हुआ कि ये कत्ल 50 लाख के लिए हुआ। मिस्टर अनिल, 50 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। सर, ये बात होटल स्टाफ से मालूम ना हो सकी थी। मैंने एक एक से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान ये पता चला कि सेठ दीनदयाल वहां 2 दिन से ठहरे हुए थे और बाकी उनका होटल से कोई ताल्लुक नहीं था। वैसे भी हादसा होटल के काफी दूर हुआ है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि होटल स्टाफ में से किसी को पता चल गया हो कि सेठ दीनदयाल के पास 50 लाख रुपए हैं और उसी ने लुटेरों को इन्फॉर्म किया। वागले, मुझे ऐसा लगता है कि होटल स्टाफ ने जरूर हम लोगों से कोई बात छुपाई है। हमें उनसे एक बार फिर पूछताछ करनी होगी। ओके सर। वैसे लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और सेठ दीनदयाल की फैमिली के मेंबर्स इवनिंग फ्लाइट से आने वाले हैं। मैं उनसे भी मिलूंगा बागले। और हाँ, इस बार तुम्हारे साथ होटल मैं भी चलूंगा। ओके सर। वैसे गाड़ी पर किसी तरह के कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले, जो भी मिले वो उन तीनों के ही थे और सामान में भी कुछ मिसिंग नहीं है। लेकिन सर, वो पैसों वाला बैग मिसिंग है। इससे ये साबित होता है कि ये हाईवे पर लूटमार का केस है। मिस्टर अनिल, आप लोगों को तो बना बनाया मसाला मिल गया, लेकिन जो भी छापे जरा सोच समझ कर छापे। ठीक है, आप कहें तो अपनी रिपोर्ट हम आपसे अप्रूव कराकर प्रिंट करवा लें। मैंने ऐसा नहीं कहा मिस्टर अनिल। आप इतने बड़े न्यूज़पेपर के रिपोर्टर हैं और सदाशिव काले के केस ने सिटी टाइम्स को रातों रात पॉपुलर कर दिया और साथ साथ मिस्टर विक्रम जायसवाल को भी लाइमलाइट मिल आया। सही मायने में सदाशिव काले के केस के असली हीरो तो आप ही हैं। अगर उस दिन आप नहीं होते तो न जाने क्या हो जाता। और मिस्टर विक्रम जायसवाल तो आपको अपनी जान का मुहाफिज मानते हैं। मैं तो वहां बाय चांस पहुंच गया था। और ना सिर्फ आपने मिस्टर विक्रम की जान बचाई, बल्कि आपकी नौकरी आपको बाइज्जत वापस मिल गई। अनिल, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ये सब कुछ हुआ कैसे। ये सब तो ईश्वर की कृपा है। अगर वो नहीं मरता तो मेरा नंबर लग जाता। मिस संजना, मुझे हैरत इस बात की है कि ये सारी खबरें मिस्टर विक्रम जायसवाल की टेबल पर कैसे पहुंच जाती हैं और फिर सिर्फ सिटी टाइम्स में छपती है और किसी न्यूज़पेपर में नहीं।
कोई भरोसा नहीं। यहाँ हम स्टेटमेंट देने आए हैं और वहाँ मिस्टर विक्रम ने हेडलाइन बना ली हो। नहीं रमेश, हमें एटीट्यूड बदलना होगा। हमें वक्त आने का इंतजार नहीं करना, हमें पहले से तैयारी करके रखनी है। जैसा तुम कह रहे हो वैसा तो मैं कर ही रहा हूँ। यस विक्रम साहब, अंगार विक्रम साहब अंगार, आधी कामयाबी हाथ लग गई है। दानिश का पता मिल गया है। गुड, वेरी गुड। अब दानिश के जरिए तुम हरमिंदर का पता लगाओ जल्द से जल्द। अरे साहब, जब एक सिरा मेरे हाथ में आ गया है तो दूसरा मिला ही समझो। जब दूसरा सिरा मिल जाए तब फोन करना। ओके साहब। रमेश, जो मैंने सोचा अगर वो हो जाए तो एक ही झटके में फिर टाइम थमाना। जीवा को हरमिंदर के साथियों का पता लग गया है। तो फिर तुमने रोहित वगैरह को उनके पीछे क्यों लगाया? गेम रमेश, गेम। तुम नहीं समझोगे विक्रम, हालांकि मैं तुम्हारे बहुत करीब हूँ उसके बावजूद आज तक मैं तुम्हें पूरी तरह समझ नहीं पाया हूँ। तुम सिर्फ ये समझने की कोशिश करो कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सिर्फ टाइम्स को पाने के लिए कर रहा हूँ। और संजना, अनिल, रोहित ये सब जाने अनजाने में मेरी मदद कर रहे हैं बस। और अगर उन्हें शक हो गया तो तुम इतने डरपोक कब से हो गए? वैसे भी उन्हें शक होने से पहले मैं उन्हें अपने रास्ते से हटा दूंगा। What?